समीकरण में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं कल्याणपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राजपुर में और हमारे साथ है यहां से स्थानीय मुखिया सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जिले के प्रखंड के काफी चर्चित मुखिया हैं आप, क्योंकि विकास का जो काम है पिछले इस एक वर्ष, इस कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और इस एक वर्ष में काफी सारी चारदीवारी और बहुत सारी चीजों का निर्माण भी आपने करा है, तो इस बार एक साल पूरा होने पे अपने पंचायत की जनता से को किस तरह से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और क्या कार्यकाल रहा, कैसा कार्यकाल रहा उसके बारे में? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने पंचायत की तरफ से, पंचायत वासियों की तरफ से और मुखिया की तरफ से। साथ ही 2021 के चुनाव में मैं जीता हूँ और मेरा कार्यकाल 13 नवंबर को एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। मैं अपने पंचायत वासियों के लिए के साथ साथ अगल बगल के पंचायत वासियों के लिए भी, जनता के लिए मैं बहुत सारा रोड का निर्माण करवाया हूँ। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि मैं इसके पहले भी पूर्व में 2006 में जब मेरा पंचायत आरक्षण में चला गया, मैं वार्ड के पद पर जीत के मुखिया बना और 2006 से 11 तक रहा। फिर 11 वाला टर्म समाप्त हुआ, मैं फिर 11 में दुबह पुनः वार्ड का चुनाव लड़के फिर मुखिया बना मैं। बीच में 2015 में मेरे माननीय मुखिया जी का ध्यान हो चुका, मुझे पूर्ण प्रभार प्राप्त हुआ मुखिया का। तो एक साल मुझे मौका मिला, मैं एक साल मुखिया का काम भी किया अपने पंचायत में, जिसमें मैं कई नई सड़कों का निर्माण किया जो एक पूरा दूसरे टोला को जोड़ती है। फिर बीच मेरा गैप हुआ, फिर मैं 2021 में पुनः दोबारा चुनाव जीत गया हूँ और 13 नवंबर को मेरा एक बार पूरा हुआ है, जिसमें मैं अपने पंचायत वासियों के लिए एक जिम पार्क का निर्माण करवा रहा हूँ, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े जवान, छात्र, नौजवान, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, जो भी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर परेशानी है, जैसे दर्द, पैर में गठिया है या हार्ट है, बीपी है, शुगर है, उन सब के लिए जिम की व्यवस्था करवा रहा हूँ, जिसमें पार्क के सिस्टम लगा रहेगा, तो टहलने के लिए, बैठने के लिए बेंच लगा रहेगा, फूल वगैरह गमला, लाइटिंग वगैरह करवा रहा हूँ। उस पार्क के सटे बगल में अभी हम लोग जिस जगह पे खड़ा है वह महात्मा गांधी की जीवनी पीछे लिखी गई है, राजपुर कोठी। इस पंचायत को राजपुर कोठी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ अंग्रेज आए हुए थे, हमारे पूर्वज से नीलों की खेती करते थे। उसके बाद महात्मा गांधी जी, हमारे पूज्य पिता, राजपुर में आए थे 1917 ईस्वी में और यहाँ के लोगों से समस्याओं के बारे में जाने और सुने। उसके बाद जो कार्यक्रम रहा उनके द्वारा किया गया, आज देश आज़ाद है, हम लोग आज़ादी में जीवन अपना जी रहे हैं और इस रोड जहाँ हम लोग खड़े हैं, जो यह बना हुआ है, यहाँ एक खंडहर जमीन है जो भूमि है, पहले से सरकार की है। मैं इसमें महात्मा गांधी के नाम पर एक महात्मा गांधी मॉर्निंग वॉकिंग पंथ बनवाने जा रहा हूँ, जिस पथ का नाम रहेगा महात्मा गांधी मॉर्निंग वॉकिंग पंथ, जो यहाँ के जनता के लिए बहुत ही सुंदर चीज़ होगा। और साथ ही यहाँ हमारे सटे बगल में इस कोठी चौक पर, जिस चौक को साहेबगंज से, केसरिया से, आपको कोटवा से, चकिया से, पिपरा कोठी से, टोटल जगह से, पांचों जगह से एकदम मेन रोड है, रोड को जोड़ती है इस चौक राजपुर, इसी के सटे बगल एक कृषि फर्म है जहाँ पे 25 एकड़ ज़मीन बंजर, जो भूमि बंजर पड़ा हुआ है, उसमें घास भूसा उपज रहा है। तो मैं पदाधिकारी मन से, माननीय विधायिका महोदय और हमारे जिला के पदाधिकारी महोदय और साथ ही मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ, करवत रहता है कि हमारी पंचायत की जनता और पंचायत हमारा गरीबी रेखा से नीचे बसर करती है, तो मैं चाहता हूँ कि इस भूमि को सरकार अपने अंदर अधिग्रहण करे, कृषि संबंधित कोई व्यवस्था यहाँ बैठाया जाए या लघु उद्योग या कुटीर उद्योग की व्यवस्था कराया जाए, जिससे मेरे पंचायत की जनता लाभान्वित हो, उसको जीविकोपार्जन का व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, जो कि पूरे बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माना है, इसको कितना सफल माना? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो सात निश्चय योजना था बहुत अच्छी योजना है, इसमें कहीं से हो रहा है। और जब से मैं प्रभार लिया हूँ अपने पंचायत का, तब से मैं अपने यहाँ, मेरे यहाँ 16 वार्ड है, 16 वार्ड में लगभग 14 वार्ड में मैं विधिवत पानी एकदम टाइम टू टाइम देता हूँ, मेरे यहाँ की पंचायत की जनता को पानी हर दूर तक पहुँचता है। और दो वार्ड, एक नंबर वार्ड, दो नंबर वार्ड में भी पानी चल रहा था, लेकिन वहाँ एक रोड है जो राजपुर कोठी से कोटवा को जोड़ती है,
तो अभी यहाँ ठीदारी का कार्य रोड बन रहा है, जिसमें चलते वहाँ दो वार्ड में थोड़ा बहुत पार्ट जो है थोड़ा सा बंद पड़ा हुआ है रोड बनने का। जैसे रोड का निर्माण पूर्ण हो जाता है मैं उसका पूर्ण से भी चालू कर दूंगा और जनता को पानी थोड़ा बहुत जो कम है। शिक्षा और चिकित्सा जो कि समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसकी क्या स्थिति आपके पीछे? जी, मेरे पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है और मैं उस पर भी कार्य कर रहा हूँ। अभी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और स्वच्छता पे मेरा पूर्ण ध्यान है। सरकार की योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वच्छता पे ध्यान है, तो मेरा पंचायत भी WPU के तहत चयन हो गया, जो बिहार स्वच्छ लोहिया मिशन के तहत आज ही मेरा उसका भूमि पूजन होने वाला है। अभी से कुछ ही देर बाद हमारे प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी महोदय, BC सर और सारे कर्मी लोग आने वाले हैं। आज थोड़ी दूर पे भूमि पूजन होगा, वो सब व्यवस्था है। पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे इस तरह के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए, और ये कृषि केंद्र जो है आपके तरफ जो कृषि के लिए जो जमीन है, जो भूमि है, इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील? हम सबसे पहले अपने पंचायत की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ हम रहेंगे तभी हम आगे विकास कर सकते हैं। और शिक्षा की तरफ भी ध्यान है, पंचायत की जनता से अपील है कि आप लोग कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलिए। मेरा करबद्ध प्रार्थना है हमारी जनता से, बड़े बुजुर्ग, किसान, छात्र, नौजवान से कि मेरा आप साथ दीजिए। सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। आपका साथ हमें मिलता रहेगा तो मैं इस पंचायत को बिहार ही नहीं, दिल्ली के नक्शे कदम पे और दिल्ली के नक्शे में पहुँचा दूंगा। यही मेरा कामना है, आपसे आग्रह है।